बीस पॉय है और स्वागत है आप लोगों का ग्रैनी द नेक्स्ट चैप्टर में। क्या आप लोगों को दादा दादी की बिल्कुल भी याद नहीं आई? I mean, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आजकल की जनरेशन से। तो मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी हमारे प्यारे दादा दादी की, इसलिए मैंने तय किया क्यों ना उन लोगों से साथ में मिला जाए। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें दादा दादी दोनों मिलके डंडे बरसाएंगे हमारे अंदर। बाय द वे, ये दादाजी की हालत इतनी खराब सी क्यों लग रही है? जैसे कमरे में बंद करके दादी जी ने दबा कर सुड़ाई करी हो। I mean, हमारी ग्रैनी वैसी की वैसी दिख रही है, लेकिन दादाजी थोड़े से ना। एनीवेज, हम लोग एंट्री मारते हैं सीधा गेम में और देखते हैं दादा दादी जी के पास कितना प्यार है हमें देने के लिए। डे वन, तो हमारे पास सेम ग्रैनी जैसी गेम में था, इसमें भी 5 दिन होते हैं लेकिन घर अलग है, एस्केप का जो सिनेरियो है वो अलग है और आई थिंक बालक भी अलग है। तो इसमें ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों टीम बना के खेलने वाले हैं और मैं हूँ अकेला। वाओ, घर बिल्कुल डिफरेंट है और वहाँ पे मैंने किसी को देखा, कोई नहीं है। ओ बेटी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है दादी। ओके दादी, तू फोटो में भी बेकार लगती है, रहने दे, मत खिंचवाया कर। कुछ भी नहीं। ओ ग्रैनी पियानो बजा रही है, तो बंद करो इसे, इसे भी, और मैं बच गया। बेस्ती ग्रैनी, बेस्ती, मैं नहा रहा हूं। शर्म नहीं आती तेरे को? एक यंग जवान बच्चे को तू नहाते हुए देखना चाहती है? हंस रही है ग्रैनी, तू पियानो बजा, मैंने तेरे को गलती से डिस्टर्ब कर दिया था। गेट बंद करो, थैंक यू। अब मैं यहां से निकलने कैसे वाला हूं? आए हाय, किसको जुलाब लगे हैं, फ्लश भी नहीं किया। ये क्या है? बुक, मुझे बुक नहीं चाहिए। पहले मेरे पास डोर लॉक है। ओके, मेन डोर कहाँ पर है कृपया करके मुझे बताया जाए। हेलो, ये क्या है? बहुत सारे ड्रॉर्स, लेट्स सी। ओ वाओ, सही में सॉरी ग्रैनी। अरे ग्रैनी, मैं कुछ चुरा थोड़ी रहा था यार। ग्रैनी को लगा मैं कोई परवर्ट बंदा हूँ। अरे मैं आपके ड्रेस वगैरह नहीं चुरा रहा था। और ये क्या है? I mean, ये तो आ बैल मुझे मार वाला सीन है, इसमें क्यों छुपूंगा मैं? ये क्या चीज़ है? I think मैं उन्हें फंसा सकता हूँ इसमें। कैमरा लगा हुआ है, टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं दादा दादी। ओए दादा, यो घूम रहा। अरे तुम बुढ़े हो रहे हो अब यार, हैं? साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? लास्ट के टाइम तो अपने साथ में गुजारो ना। मैं बजा सकता हूँ, मतलब दादी बजा सकती है, मैं नहीं बजा सकता, ये क्या बात हुई? एक तो इनके मेन डोर नहीं मिल रहे मुझे, इतना बड़ा घर बना। सॉरी दादी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला ना सॉरी। सेफ दादी, हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी यार, दादा को भड़काना पड़ेगा इस दादी के खिलाफ। मैं दादा को बोलूंगा चीटिंग कर रही है, तेरे से प्यार नहीं करती, फिर वो दादा इसमें भरेगा। ओए दादा, अरे यार दादी, तू मेरा पीछा छोड़ दे भाई, दादा इतना परेशान ना कर रहा, तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है मुझसे। सेफ फिर से दादी तेरे बस की ना, निकल ले। आगी दादी आगी, ओ तेरी मर। हमारे दादाजी भी डेंजरस हैं और वो चाबी पहन रहे हैं, तो या तो उनकी कनपट्टी पे 2 लगाने पड़ेंगे ताकि वो चाबी छीन सके हम। पहले मुझे ना ये घर का ये समझना पड़ेगा, चक्कर क्या है, घर कैसा है, लॉक कहाँ कहाँ है, पजल्स कैसी हैं। ओ भाई साहब, बोट है मेरे पास और एलियन भी, बाप रे, एलियन सर हैं, एलियन। आई नीड अ पैडलॉक की। तो मैं इस बोट से भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे को इंजन, फ्यूल एंड चाबी वगैरह चाहिए होगी, राइट? इंटरेस्टिंग। ओ ये क्या है? यहाँ पे कुछ है, लेकिन रुक जाते हैं। मरा। दादी जी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे आप पे चाइल्ड अब्यूज का केस करना पड़ेगा, सॉरी, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। सो आई थिंक सबसे पहले मुझे यही करना चाहिए, बिकॉज इससे आवाज़ होती है और ऊपर का रूम वो खाली कर देंगे और मेरे पास वही मौका रहेगा जब मैं आराम से ऊपर छानबीन कर पाऊंगा। नानी, नानी कह रहा है वो, नानी की क्या बात कर रहा भाई तू? दादा,
तो खुद बुढ़ा हो रहा है, तेरे को अपनी नानी चाहिए अब? ओ भाई फोटो देखो तुम जरा, डेंजरस। ओके यहाँ का क्या सीन है यार, ये क्या चीज़ है? आई नीड अ सेफ की, तो ये सेफ है एक। अरे यार आवाज और हो जा तू, मेरे को देखने तो दे, ड्रॉर में है क्या? कुछ भी नहीं, बकवास। द लास्ट डे पर भी आ गए हम, हमें पहले समझना पड़ेगा कि पंगा क्या है। अगर ये पंगा समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास डोर लॉक। इस डोर लॉक का मतलब ये है कि मैं खुद लगा सकता हूं इसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे पहले एक करंट बंद करना पड़ेगा आई थिंक। ओ मरा, इस दादा के गले में एक चाबी लटक रही है, इसका सर फोड़ना पड़ेगा पहले मुझे। ये क्या चीज है? आई नीड अ क्रोबार, तो वो तो दादा के पास है यार। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हम क्या करते हैं ना, इसे यहाँ ड्रॉप करते हैं, अब वो भागे भागे आएंगे और मैं यहाँ छुप जाता हूँ। अब वो वहां जाएगा, दादा वहां खड़ा होएगा, मैं वो गेट बंद कर दूंगा, वो मर जाएगा। मेरा प्लान ये है, अब बाकी देखो। दादा अभी आया ही नहीं दिखे। अरे यार ग्रैनी थी यार, मरा। ग्रैनी उसी कमरे में थी, बच गया आई थिंक मैं। ये खून, क्या तेरे पीरियड्स हो रहे हैं अबे? दादी आ गई क्या? यस। ए बूम। यार दादी, मुझे लगा मैंने तेरे को फंसा दिया। ओ तेरी, ये मेरे लिए है सही में? मत करो ऐसा, एक यंग बच्चे के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं देखो ग्रैनी, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा पूछ रहा था ग्रैनी को, हाँ भाई दबा दू खटका? ग्रैनी कह रही हाँ। अरे मजा आ रहा है, दोनों ड्रामे हो रहे पूरे। मुझे इन्हें फंसाना पहले ऐसी की तैसी, जब इनको इन्हीं की मेडिसिन मिलेगी ना, जब पता चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा क्लूज है नहीं हमारे पास। ओह नो, दादाजी आ रहे हैं। नानी, मेरे को आपने नहीं मारा, आरीगा तो गुजाई मास, लेकिन ये नानी नानी ना करो आप। ओह आई थिंक अब आएगा दादा, भागा भागा, लेकिन मैं फंस सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ हो जाता हूँ। आ गया, अरे मरा। मेरे को लगा था कि ये डायरेक्ट वहां चेक करने जाएगा और फिर मैं बटन दबा दूंगा यार। ओके ऐसा करते हैं, इसे दबाते हैं और फटाफट भागते हैं यहाँ से पहले। अब दादा आएगा, भागा भागा। दादा गया, यस। अरे यार ए, पीछे से दादी भी आ रही थी। ओके ये ग्रुप बना के चल रहे हैं, झुंड बना के। इतने डरपोक को दादा दादी तुम झुंड बना के आते हो हैं एक बेचारे छोटे बच्चे को मारने? दादा को यार फंसाना तो पड़ेगा, मुझे उनकी चाबी कैसे मिलेगी वरना। अच्छा और ऊपर जा सकते हैं हम, ग्रैनी आ गई बाय द वे। ओहो सामान भी गिर दिया यार मैंने। दोनों है यार, तो टेंशन हो रही है। तो अपने पास एक और फ्लोर है चेक करने के लिए, इसीलिए हम ट्रिगर कर देते हैं इसे और उसके बाद मैं यहाँ छुप जाता हूँ और अब हम ऊपर जा सकते हैं। मुझे लगा यार तू वहां चला गया है। ग्रैंडपा, मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे है क्या। पहली बात तो किचन है ऊपर, दूसरी फ्लोर पे किचन बना रखा है। किसने बनाया था ये नक्शा इस घर का? अरे मेरे को कुछ मिला था यार, डरा दिया दादी ने। ओ एलियन के पास छोड़ दिया इस बार इन्होंने, देख कैसे देख रहे हैं। शक्ल दिखा। अरे वाह क्या बात है, हंस रहा है ड्रामा दादा। ग्रैंडपा आ गए, दादी का नहीं पता, दादी भी आ रही है क्या? ना आ रही हो तो अच्छा होगा, बिकॉज मैं ऊपर जा रहा हूँ। वाह मरा यार, ये सबसे बेकार है यार, मरा। डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा, बाप रे बड़ा घर है यार ये। यार साउंड भी तो नहीं आती इनकी, फुटस्टेप्स दो ना तुम लोग, तो कम से कम दो जने हो भाई।
इसमें इनका सीक्रेट ये है ना कि ग्रैंडपा जो है ना वो हमारे फुटस्टेप्स नहीं सुन सकता और ग्रैनी सुन सकती है, तो मेरे को ग्रैंडपा से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, ओए यहाँ पे कीज हैं बहुत सारी। स्टन गन, यस। ये क्या है? और स्टन गन एमओ, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अब मेरे को सिर्फ ग्रैंडपा चाहिए। ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडपा, ये क्या कर रहा है? लॉल, जोर का झटका है जोरों से लगा। ये क्या कर रहा था तू वे पागल? क्रोबार दे, अबे क्रोबार दे या चाबी कुछ तो दे। सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की का क्या मतलब हुआ? अच्छा ये सिक्योरिटी, ये होगी ना। आई नीड ए डोर हैंडल। अरे तेरी का, ग्रैनी गुस्सा हो गई। सॉरी मैंने दादाजी पे हाथ उठाया, मुझे पता है रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन यार मुझे बचना भी तो है ना। ओके सो सिक्योरिटी की ये तो नहीं है, नहीं ये तो पैडलॉक की है ना। हाँ सिक्योरिटी का है बात की, ऊपर कोई गेट होगा फिर इसका मतलब। गन और एमओ मिल गई मुझे वापस, कौन आने वाला है? आओ जिसमें दम है। किसमें दम है? अरे मरा मरा मरा। दो जने हैं ना इसलिए काफी टफ हो रहा है मामला। ऊपर जाते हैं पहले। बेडरूम, सीक्रेट रास्ता। ओ ये छुपने के लिए आई थिंक। ओ मैं बेड के नीचे छुपा हूं, वो सीक्रेट रास्ता है। मुझे ग्रैनी को स्टन करना चाहिए, पता है ग्रैनी ज्यादा डेंजरस है ग्रैंडपा से। तो ग्रैनी तनन तनन। ओ लॉल ग्रैंडपा, अब क्या करूं? मरा मरा मरा। नहीं ग्रैंडपा, यार इतनी मुश्किल से तो मैं ग्रैनी को मारा, मरा आई थिंक मैं मरा मरा मरा। उसे पता है, उसे पता है, इसे पता है मरा। ओह वाओ, बड़ा बावड़ा है ये। ये क्या है? एक मिनट, ये हैंड व्हील है। अच्छा ये हैंड व्हील में नीचे घुमा सकता हूँ। ओके भागो। आवाज, अब वैसे आवाज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि ग्रैंडपा सुन नहीं सकता। ग्रैनी जिंदा हो गई? अरे ग्रैनी भी जिंदा हो गई यार। तो ये व्हील का काम नीचे है पक्का, यहाँ पे ये रहा। यस पता था मुझे। घुमा घुमा घुमा, क्या हुआ इससे? कुछ खुला, पर क्या? इससे खुला क्या? ओ आई थिंक जो एलियन के वहां का गेट है ना वो खुल गया। ये तो नहीं खुला, फिर क्या खुला बे? ग्रैनी मेरे पीछे पड़ी हुई है, दादाजी बचाओ। वेयर आर यू दादाजी? दादी परे ना होले तू पिटेगी अभी। स्टन गन लेनी पड़ेगी मुझे दोबारा। ओए ये खुल गया इससे। अच्छा पैडलॉक की, डोर हैंडल, आई नीड ए क्रोबार। इस सिक्योरिटी की से आई थिंक वो करंट बंद होगा, जो ये करंट चल रहा है ना मेन डोर पे, यही है इनका मेन डोर पक्का। ओए ओ डोर लॉक ले हूं, ले लेता हूं। दादी कहां से आएगी? पर पहले ये देखना पड़ेगा। ओ छुप जाता हूं ना, मरा मरा। बच गया भाई साहब, कुछ भी नहीं। आ मरा 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 मरा, मुझे पता है यू सी मी बट मरा मैं। अरे यार इसका क्रोबार कैसे लूं? एक बार और स्टन करना पड़ेगा मेरे को दादाजी को ये क्रोबार लेने के लिए। ऑब्वियसली वो मुझे पकड़ लेगी। ओ आई सी यू हो गया। इसे कैसे खोलूं? मरा मरा मरा, सॉरी दादाजी। अरे बाप रे दोनों यहीं हैं। ये बुक ले लेते हैं। अरे कौन चिल्ला रहा है? वो सीक्रेट रास्ता, नाइस। क्या है? ओ यस मस्त।
आई नीड अ वेपन की नो। अब अगर ये वेपन की मिल जाए तो मैं एक बार दोनों को मार के ना अच्छी तरह घर छान मारूं। आई नीड अ बोट स्टीयरिंग व्हील, इंजन इंजन स्टार्ट। ओके तो मेरे को व्हील से डिसाइड करना होता होगा कि मेरे को बोट से जाना है या मेन डोर से जाना है, बिकॉज इसने वो मेन डोर का केज खोला है ना, तो अब मुझे मेन डोर से जाना पड़ेगा। मुझे ऊपर जाना है यार, बिकॉज ज़्यादातर सामान ऊपर ही मिलेगा। मेरा स्पार्क मेरी स्टन गन भी ऊपर ही है। मरा अब तो मरा। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी की यहाँ गिराता हूँ, अब आएगी दादी भगी भगी और मैं निकल लूँगा यहाँ से। गई क्या दादी? या भागो, यही मौका है। यार स्टन गन इज द ओनली वे। अरे यार दादी, अब डेफिनेटली ऊपर कोई नहीं है, यही है मेरा चांस। ये क्या है, गटर वाला रास्ता? खुलेगा कैसे पर ये? ओ ऐसे, ये कहाँ आ गया मैं? ओ इधर, ओ तेरी, मरा। मुझे नहीं पता था दादी बाथरूम का गेट खोल सकती है ये वाला। ओके स्टन एमो लेते हैं पहले, तो सबसे पहले अब आ जा दादा तू बिड़ले दादा। ओए दादा सो रहा है लॉल। ओए मर क्या? अरे मेरे को थोड़ा एडजस्ट हो जाने देता। अरे यार मेरे को स्टन गन मारनी थी उसके, मैं एडजस्ट हो रहा था, मुझे नहीं पता था वो अचानक से यूं धप्पा कर देगा मेरे को। क्या है ये, टफ है ये, दो जने हैं इसलिए टफ है थोड़ी सी। ओके गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम लोग दोबारा मिलेंगे दादा दादी से, दोबारा इनके घर में घुसेंगे और उस टाइम पार्क करके ही निकलेंगे बाहर। आज हम लोग इनके घर में थोड़ी सिक्योरिटी चेक करने गए थे, अब हमें थोड़ा सा मामला पानी समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इनके घर में घुसेंगे ना तो बाहर निकल के ही रहेंगे। लीव अ लाइक अगर आप लोग एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। बाय द वे सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरे आने वाले भयंकर एपिसोड आप लोग गलती से भी मिस ना कर दो। Bye!